नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भोजपुरी में कहा कि छठ पूजा में आई के बहुत आनंद महसूस हो रहा हुआ, सभी माता बहनों पर छठ मैया का आशीर्वाद बनल रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति और आस्था की वजह से मेरा देश एकता के सूत्र में बंधा है। आस्था की वजह से ही 500 साल बाद जनवरी में अयोध्या में श्री राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। सरकार की लोक आस्था ने जिसको सरकार की भले ही आज सरकार व्यवस्था कुछ करवा देती हो, स्थानीय प्रशासन इसमें कुछ सहयोगी बन पाता हो, लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे, और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहने हैं या उनके परिवार के सदस्य भी, बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा यह मानना है कि आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एकजुट है। हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश माना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और वह वहां की लोक आस्था के साथ, विशिष्ट आयोजनों के साथ आम जनमानस को अपने साथ जोड़ती है और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसी लोक आस्था का परिणाम है कि 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ और अंततः विजयश्री प्राप्त हुई। और अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर हम सबकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा ये प्रकृति और परमात्मा दोनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व भी है। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, अर्घ इस बात को लेके देते हैं कि सूर्य देवता के कारण ही जल की राशि हमारे पास आती है। हम सब जानते हैं कि भगवान सूर्य की गर्मी से जब वाष्प बनता है, यही वाष्प फिर बरसात बनकर के इस धरती पर वापस आती है। तो हर व्यक्ति, हर व्रती अर्घ देकर के कि त्वदीयं मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हम भी उसके प्रति एक समर्पण का भाव। दूध हमारे यहां सबसे पवित्र माना गया है, तो हम नदियों में दूध भी डालते हैं, दूध का अर्घ भी डालते हैं आज वहां पर दे करके कि हम इस अविरलता, ये जल हमारे जीवन का प्रतीक है, हम इस जल को भी शुद्ध और सुंदर बनाए रखेंगे। हमारा दायित्व तो बनता है आयोजन के बाद कार्यक्रम संपन्न हो, इसके बाद आयोजकों का दायित्व तो बनता है, वह स्वयं सेवकों की मदद से, प्रशासन की मदद से घाटों की, नदियों की स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी मथुरा के दौरे पर आए, जहां उन्होंने वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी लिया। 25वां जन्म दिवस का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। पहली बार हमारे ब्रजमंडल में, हमारे वृंदावन में, जहाँ पर आकर मीरा जी 15 साल रही, शायद आपको भी नहीं मालूम जी, ब्रज के लोगों को भी मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलम बाग में खालसा चौक का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि टेढ़ी पुलिया के नाम से जाना जाने वाला ये चौराहा अब खालसा चौक के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान उन्होंने लोगों को बधाई देते हुए इशारों में सपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी पर भी कटाक्ष किया। कहा कि उनसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में अन्य तरह के आयोजन होते थे, टेढ़ी पुलिया चौराहा अब खालसा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोई धार्मिक आयोजन वहां हो पाया तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के भव्य आयोजन को
वहां पर आयोजित करने, 2020 और 2021 में हम लोगों को 7 ज्यादा दिवस को वहां पर आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब कोई आयोजन होता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने जिन्होंने संयुक्त के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, उनकी स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देकर के साहबजादों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। हम सबको अपने इतिहास पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और वास्तव में सिख गुरुओं का त्याग, उनका बलिदान हम सबको इस मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खालसा चौक का नामकरण और लोकार्पण का एक कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि छठ पर्व का आज तीसरा दिन रहा। गोरखपुर में कई घाटों पर बेदी बनाकर महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ दिया, जिसके बाद महिलाएं अपने अपने घाट लौट गईं। आपको बता दें जिसके बाद अगले दिन फिर तकरीबन 3 बजे महिलाएं इन घाटों पर आकर उगते सूरज को अर्घ देकर छठ पूजा को पूरा करेंगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद पूरे भारत में छठी मैया का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के राप्ती तट पर, जहां पे महिलाएं और माताएं बहनें पूरी तरीके से यहां पे सूर्य को अर्घ देने के लिए यहां पे इकट्ठा हुई हैं। आप देख सकते हैं ये राप्ती तट है और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हैं और सूर्य देवता को जो है यहाँ पे अभी अर्घ देने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार बैठी हैं। आप देखें तस्वीरों में ये राप्ती तट है और यहाँ पे महिलाएं आप देखेंगे कि इंतजार कर रही हैं कि सूर्य देवता कब जो है डूबेंगे, क्योंकि इस समय जो है डूबेंगे यानी डूबने से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और पूरी रात यहीं पर यानी आप देखेंगे तस्वीरों में ये वेदी है, यही वेदी पे ये महिलाएं यहाँ पे बैठी रहेंगी पूरी रात और सुबह फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया की जो ये त्योहार है यानी कठिन तपस्या है 72 घंटे का, वो खत्म करेंगी। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या है ये, क्योंकि बताया जाता है कि 72 घंटे व्रत रहा जाता है। मेरा मायके बिहार से है, मैं बचपन से छठ देखते आई, मैं भी 4 साल से कर रही हूँ। छठ मैया की महिमा है, मेरी बहू नाती मेरी बेटी सरकारी जॉब में आई, बहुत ये है। थोड़ा लाउड बोलिए तेज। आप बताइए, आप बहू हैं, आप इनकी के कितने साल से आप ये व्रत उठा रही हैं? हम अभी व्रत नहीं करते, मेरी सासू माँ व्रत करती हैं और हमको ये व्रत अच्छा लगता है। जब समय आएगा तो हम भी ये व्रत करेंगे, माता जी की कृपा होगी तो हम भी इस व्रत को करेंगे, बस माता जी की कृपा बनी रहे। छठ का व्रत बहुत अच्छा लगता है, बिहार का ये बहुत अच्छा त्योहार है, बस छठ के लिए दुआ रहे। क्या मनोकामना है, कि कौन सी ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण हुई हो आपको और आगे भी उम्मीद है? मनोकामना बहुत सी है, बस छठी माँ से प्रार्थना है, मन में प्रार्थना कर रहे हैं छठी माँ वो पूरा कर दे, फिर इनका हम व्रत करेंगे। मेरा एक बेटा है, बस इन्हीं की कृपा से ये अच्छा रहे, माता रानी इसको सब कुशल रखे और मेरे पति को। ये जो होता है आपका गोद में, ये क्या मतलब, ये मनोकामना पूर्ण हुआ है? व्रत रखने के बाद ही आया, समझेंगे छठी माई का कृपा ही है। तो बहुत साल से मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा था, शादी किया जो छठ रखे व्रत। अच्छा, कितनी बड़ी तपस्या है, 72 घंटे जो है बकायदे जो है, अच्छा निराजल व्रत रहा जाता है ये, बिना कुछ खाए पिए। कल भी थे हम, परसों से हम नहाए खाए से। अब क्या होगा, अभी तो अब इस समय बाद क्या करेंगे आप? सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर रात में कोसी भरे रखते हैं घर पे, पूजा करेंगे, रात में गाना वाना गाएंगे, फिर सुबह आएंगे यहाँ पूजा करेंगे। कल हम लोग का पारण।
तो आपने सुना कि कितना कठिन यानी तपस्या है ये, और 72 घंटे बकायदे जो है निराजल व्रत रखा जाता है, और निराजल व्रत रखने के बाद जो है यानी इस समय जो है सूर्य डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है, और फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य की जो है बकायदे अर्घ दिया जाएगा। अर्घ देने के बाद जो है महिलाएं यहां से जो है अपने जो 72 घंटे की कठिन तपस्या थी, व्रत था, उसको समाप्त करेंगी। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने ऐसे सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल शैलेंद्र शर्मा के शिकायत पर हजरतगंज थाने में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई पर इंडियन पिनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सर्टिफिकेशन को लेके आपने मुकदमा दर्ज करवाया हजरतगंज थाने में, क्या कुछ मामला है, किन कंपनियों पे आप आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? हलाल सर्टिफिकेट जो चार कंपनियां हैं चेन्नई मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं, और उस जब हमने सब चीज़ को चेक किया कि उनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता ऐसा कुछ अभी तक तो देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी, तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, उस पर जांच का आश्वासन दिया है, तो उस पर जांच होगी तो जो भी पहलू होंगे वो सामने आएंगे, जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। अगर ये इनकी सर्टिफिकेट जारी करना सही है तो उसमें चीज़ें क्लीन चिट मिल जाएगी, बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गलत होंगे तो उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई की मांग भी मैंने की है। और सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं, जो कि इस क्या कहते हैं इस धर्म निरपेक्ष देश में ऐसी कोई मान्यता नहीं, कम से कम भारत में इस चीज़ की तो मान्यता नहीं है। किन कंपनियों पे आपने आरोप लगाया है और आपको कैसे जानकारी हुई कि हलाल सर्टिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से? नहीं, हलाल कोई देखिए कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी सरकार की संस्थाएं हैं, ISI मार्क हो गया और किसी प्रकार की हर चीज़ की संस्थाएं सरकारी संस्थाएं हैं, वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई करती हैं, उनके अपने मानक हैं, उनको मानक को कंपनियाँ पूरी करती तब वो मार्केट में आते हैं, उस पर व्यक्ति को ट्रस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक धर्म के कानून को आड़े लेकर के इस्लामिक बोर्ड ऑफ इंडिया जो कहता है उसके आधार पर हलाल सर्टिफिकेट आप जारी करने लगे, ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। लेकिन कौन कौन सी कंपनियां हैं? जैसे चेन्नई की एक कंपनी है उत्पादन कंपनी हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई की, ये चार कंपनियां हैं जिनको मैंने अपनी तहरीर में मेंशन किया था उनके खिलाफ, और बाकी कुछ ऐसी अज्ञात कंपनियां जो भी आएंगी इसकी जद में वो तो जांच का विषय है, तो पुलिस का काम है। जिसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। और चलिए अब रुख करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल का। प्रतापगढ़ में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच को देखने के लिए शहर भर में लगाई गई LED टीवी। फरुखाबाद में विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच की देश भर में दिखी धूम, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने मांगी टीम इंडिया के लिए जीत की दुआएं। बहराइच में संध्या अर्घ के लिए घाट पर पहुंची महिलाएं, छठ बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा। रायबरेली में सिपाही ने PRD जवान से मारपीट की, विपक्षी से पैसे लेकर पीटने का आरोप, CO सदर अमित सिंह ने लिया मामले का संज्ञान। एटा में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया, कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी हुए शामिल। पराडा पंखा में करंट आने से 4 बच्चों की मौत, परिजनों में मातम, लालमन खेड़ा गांव का मामला। अमेठी में छठ के पर्व पर दिखा महिलाओं में खासा उत्साह, डूबते सूरज को अर्घ दिया महिलाओं ने।
फरुखाबाद में युवती से छेड़खानी करने पर जान देने का प्रयास, अस्पताल में कराया भर्ती, गाँव के युवक पर आरोप। अलीगढ़ में गांव के निकट मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिरोजाबाद में महिला ऑपरेशन जागृति के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक, टोल फ्री नंबरों के बारे में जानकारी। देवरिया में शॉर्ट सर्किट से दो गाड़ियों में लगी आग, दो वाहन जलकर खाक। मथुरा में रोड पर मौत का स्टंट, वाहनों के बीच स्केटिंग की गई।